अरुणाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल फकीरावाली में कुएं की स्लैब टूट गई। स्लैब टूटने से 6 बच्चियां पानी के कुएं में गिर गईं। ब्रेक के वक्त कुएं की स्लैब पर बैठी हुई थी। कुएं में गिरने से 6 बच्चियां शदीद जख्मी हुई हैं। रेस्क्यू 112 और इमदादी टीम जाए व कुआ पर पहुँच गयी। जख्मी बच्चियों को रूरल हेल्थ सेंटर फकीरावाली दाखिल करवाया गया। जख्मी बच्चियों में हीरा, उमारा, सईद, माफिया, महविश, साइमा, नितान। एक बच्ची की हालत तश्वीशनाक होने पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुणाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। ऑलरेडी टूटा हुआ था, ज्यादातर नीचे गिरा हुआ था, उसकी छत जैसी जमीन में काबिले इस्तेमाल नहीं था, एक साइड पे थोड़ा सा खड़ा था, बस उसके ऊपर कहीं छुट्टी हुई है। 1 बजे 1:15 बजे रिसेस की रिसेस होती है, तो वो रिसेस की बैल हुई है, तो बच्चे कहीं ऊपर आके चढ़ गए और वो चढ़े हैं, तो वो स्लैब ऑलरेडी टूटा हुआ था, वो नीचे गिर गया। कितने बच्चे मैडम? 5-6 बच्चे नीचे गिर गए, मिल के निकाला है फिर बाद में, और फौरन हमने रेस्क्यू को फोन किया है और हॉस्पिटलाइज कर दिया उन्हें। रेस्क्यू वाले आ गए थे? हाँ जी, नहीं फौरन आ गए थे। कोर्ट अदू, जुल्म की एक और दास्तां। थाना दायराधीन पनाह के हदूद में 4 साला बच्चे से ज्यादती का वाकया सामने आ गया। अहले इलाका के मुताबिक इस तरह के वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं, लेकिन शर्मिंदगी के बाइस वालदैन आवाज उठाने से डरते हैं। तोनसा शरीफ के वाकया पर वजीर आला पंजाब के नोटिस के बाद लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। दायराधीन पनाह के इलाका अब्बास वाला बंद पर 4 साला बच्चे के साथ तशद्दुद और ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट के बाद ज्यादती साबित होने पर FIR दर्ज कर ली गई। वालदैन के मुताबिक ज्यादती करने के बाद मुलजम अली मौका से फरार हो गया। बच्चे एहसन के वर्सा ने मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा सुनाने का मुतालबा किया है। थाना दायराधीन पनाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजम की गिरफ्तारी के छापे मारने शुरू कर दिए हैं। ज्यादा की तो उन्होंने ना क्या मामा कौन था क्या थी? थोड़ा है।